हरियाणा में जो हुआ वो घटना के बारे में हम मीटिंग ले रहे हैं और रिपोर्ट मंगा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद वो खुल जाएगा क्या करना है, कैसा हुआ, क्योंकि पूरा देश बोल रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी के लीडर्स भी जीत रही कांग्रेस बोल रहे थे, और सब लोग बोलने के बावजूद भी ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कांग्रेस को हराया? इंडिया अलायंस को साथ में नहीं लेके चला ऐसा? वहाँ नहीं है ना, देखो इंडिया अलायंस जा है वाले, अब कश्मीर जम्मू में अलायंस है, वहाँ हरियाणा में ऐसा कोई नहीं था कोई अलायंस वाले, एक हमारे साथ कम्युनिस्ट वाले थे, कम्युनिस्ट को हमने दिया था, ऐसा कुछ नहीं। देखो जीते तो क्रेडिट लेने वाले बहुत लोग हैं, अगर हार हो गई तो क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग हैं, वो छोड़ दो हम देख लेंगे सब मिलके। अभी फ्रेश कंप्लेंट जो इसी को किया क्या सर, अभी फ्रेश कंप्लेंट किया बोल के? अरे वो तो पुरानी न्यूज है, तुम आज पूछो। नहीं सर, तो अभी जम्मू कश्मीर में सरकार आई, क्या स्टेट का दर्जा मिलेगा, क्या 370 वापस आ जाएगा? अब हम तो पूरा कोशिश करेंगे, अभी मोहन भगवत ने जो बांग्लादेश के बारे में बताया कि जो उधर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, एकजुट रहना चाहिए, कुछ लोग रोड पर उतरने के बाद थोड़ा बहुत अत्याचार रुका बोल के उन्होंने बताया। देखो कोई देश अत्याचार नहीं करना चाहिए दूसरे देशों पे, माइनॉरिटीज को हम जैसा सेफगार्ड करते हैं हिंदुस्तान में, वैसा ही सेफगार्ड करने का उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग लेना चाहिए, और वहाँ पर जितने भी माइनॉरिटी के लोग हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, ये सारे लोगों को हिफाजत करना चाहिए, ये उनका फर्ज होता है, और ये अगर नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं, क्योंकि ये उनके लिए भी अच्छा नहीं और जो हमारे पड़ोसी देशों के लिए भी अच्छा। अभी जो नया नैरेटिव चलाया जा रहा है कि जो बांटने का, वो बांटना नहीं चाहिए इधर देश में लोग बोल के मोहन भगवत ने बताया। क्या बांटने का? लोगों को बांटने का नैरेटिव चलाया जा रहा है इधर। अरे तुम ये करने वाले ही बांट रहे ना, जो लोग देश में यूनिटी चाहते हैं, वो पार्टी जो डिसयूनिटी चाहती है उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले आप ही है, भागवत जी ही है। पहले कहां से शुरू करें, संविधान बदलने से शुरू करें, रिजर्वेशन निकालने से शुरू करें, हिंदू मुसलमानों के बारे में अलग अलग बात के, और करने वाले तुम और बुद्धि दूसरों को सिखा रहे हैं।